Hello students, today we will learn the seventh grammatical part, that is called verb forms. Okay, verb forms means verb means kriya pad jise hum bolte hain. Sentence mein jo bhi action hoti hai wo wale words ko hum verbs bolte hain. So let us learn about that. A verb is a doing word. Verb kaun se word hote hain? Doing word hote hain. It tells us about the activity of a person or things. वो क्या बताते हैं हमें? उस पर्सन की या फिर उस थिंग्स की एक्टिविटी बताते हैं, उसकी एक्शंस बताते हैं उस सेंटेंस में. व्हाट इज मीन बाय वर्ब? सो वी कैन सी हियर वर्ब फॉर्म्स मीन्स अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. इट टेल्स अस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. ओके, इट मीन्स ये जो वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स उस आए हुए सेंटेंस में कौन सी एक्शन हो रही है वो एक्शन, वो डूइंग एक्शन बताने का काम करते हैं ये हमारे वर्ब वाले वर्ड्स. सो लेट अस सी हाउ. हियर यू हैव गिवन सम ऑफ द एग्जांपल. सो फर्स्ट यू कैन सी हियर, राधा गोज टू स्कूल डेली. राधा क्या करती है? डेली स्कूल में जाती है. राधा हर रोज स्कूल में जाती है. इट मीन्स कौन सी एक्शन हो रही है? जाने की एक्शन, मतलब वो स्कूल में जाती है. सो जाती है या फिर जा रही है, ये जो जाने की एक्शन हो रही है इट मीन्स गोज, गोइंग की एक्शन हो रही है. सो यू शुड ऑल्सो अंडरलाइन दिस वर्ड्स एंड दिस गोज वर्ड इज कॉल्ड अवर वर्ब बिकॉज दिस वर्ड शोज द एक्शन ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, सो राधा गोज टू स्कूल डेली, तो राधा हर रोज स्कूल में जाती है. इस तरह से जाने की एक्शन हो रही है इस वर्ड में. सो गोज वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. सेम लाइक दिस यू कैन सी द मोर एग्जाम्पल्स हियर. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब की तरफ उगता है. उगने की एक्शन इस तरफ हो रही है, इस सेंटेंस में हो रही है. सो राइजेस दिस इज कॉल्ड अवर वर्ब बिकॉज दिस वर्ड शोज द एक्शन ऑफ दिस सेंटेंस. ऑल्सो बर्ड्स सिंग स्वीट सॉन्ग. बर्ड्स बहुत प्यारा गाना गाते हैं. सो गाने की एक्शन हो रही है, इट मीन्स सिंगिंग की एक्शन हो रही है. सो सिंग दिस वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. राधा इज गोइंग टू स्कूल. राधा स्कूल में जा रही है. यहाँ पे क्या मीनिंग था? राधा गोज टू स्कूल डेली. राधा हर रोज स्कूल जाती है, ये यहाँ पे उसका मीनिंग होता है. और यहाँ पे राधा इज गोइंग टू स्कूल मतलब राधा स्कूल में जा रही है. ओके, सो गोइंग दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ब बिकॉज जाने की जो एक्शन है मतलब जा रही है, वो जो एक्शन यहाँ पे बोल रहा है वो एक्शन को बोलते हैं हम वर्ब. ओके, द सन इज राइजिंग इन द स्काई. सूरज स्काई में उग रहा है. सो राइजिंग दिस वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ब. बर्ड्स आर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग. बर्ड्स बहुत अच्छे से गाने गा रहे हैं. सो सिंगिंग दिस वर्ड इज कॉल्ड वर्ब बिकॉज सिंगिंग, राइजिंग, गोइंग, सिंग, राइज, गोज, दिस अंडरलाइन ऑल वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब बिकॉज दिस ऑल वर्ड शोज द एक्शन ऑफ दिस सेंटेंसेस. सो इट इज कॉल्ड ए वर्ब. ओके, सो वी कैन सी हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ दैट वर्ब. सो हियर वी कैन सी गोज ईएस फॉर्म, सो राइजेस ईएस फॉर्म, सिंग जस्ट वर्ड, गोइंग आईएनजी फॉर्म, राइजिंग आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग आईएनजी फॉर्म. इन दिस वे दिस वर्ड हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स. सो इट हाउ डू वी इट मेक और हाउ डू वी से दिस ऑल फॉर्म्स एज अ वर्ब. सो वी कैन सी हियर, थस वी सी दैट अ वर्ब कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स. ये जो वर्ब है ना, सारे वर्ब जो एक्शन बताते हैं उस सेंटेंस की, उसमें अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं. तो वो कैसे बनते हैं यू कैन सी इन दैट बॉक्स. सो फर्स्ट वर्ड इज यू हैव गिवन राइज, सेकेंड फ्लाई एंड गो. दीज आर द बेसिक वर्ड्स. ओके, दीज आर द बेसिक वर्ड्स. देन वी हैव मेड इट मोर वर्ड्स फ्रॉम दीज वर्ड्स. यू कैन सी हियर राइज के हमने कितने फॉर्म बनाए, 1, 2, 3, 4. इसी तरह से सारे जो बेसिक वर्ड होते हैं उस वर्ड्स के हम इस तरह से अलग अलग फॉर्म बनाते हैं. तो राइज का कैसे हो गया? राइज, रोज, राइजन, राइजेस एंड राइजिंग. इन दिस वे ये है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म. यहाँ पे वर्ब को यस या फिर ईएस लगाते हैं वो वाला फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब को आईएनजी लगाते हैं वो वाला फॉर्म. इस तरह से हम उस वर्ब के अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, और ये सारे फॉर्म्स को हम वर्ब ही बोलते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्म क्या शो ऑफ करते हैं? उस सेंटेंस की एक्शन शो ऑफ करते हैं. सो इसलिए हम इन सारे वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सी हाउ डू वी चेंज इट्स ऑल फॉर्म्स. इट मीन्स V1 means
You can see in this box. Okay, learn the following verbs and their different forms. Supply the missing forms. यहाँ पे आपको क्या किया है, कुछ वर्ब के फॉर्म्स बना के दिए हैं और कुछ वर्ब के फॉर्म्स आपको बनाने के लिए बोला है. इट मीन्स यू शुड फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट दिस ऑल, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो लेट अस सी ही द फर्स्ट वर्ब, आस्क. आस्क मीन्स पूछना. ओके, सो आस्क का जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म. ओके, प्रेजेंट में ये वर्ड यूज करते हैं. सो आस्क का पास्ट फॉर्म वी टू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या बनता है, आस्क, ASKED. आस्क के आगे ईडी का फॉर्म यूज किया हमने, तो ये हो गया आस्क्ड. सो दिस इज द वी टू वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो सेम लाइक दिस आस्क्ड. सो दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, एंड ऑल्सो वी कैन क्रिएट इट्स प्रेजेंट फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट फॉर्म मीन्स वर्ब को यस या फिर यस फॉर्म लगाना, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था सिंगुलर इंटू प्लूरल फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम यस या फिर यस उस वर्ब को जो भी फॉर्म हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्म हमें यहाँ पे बनाना है, और उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट. इट मीन्स वर्ब को यस या फिर यस फॉर्म लगाना, और उसी को फिर ing फॉर्म लगा के हम उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनाते हैं. इन दिस वे वी कैन क्रिएट मैक्सिमम फाइव टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ दैट वर्ब. सो दिस इज कॉल्ड V1, V2, V3, V प्लस यस और ES एंड V प्लस ING. इन दिस वे दिज आर कॉल्ड वर्ब फॉर्म्स, एंड दिज ऑल वर्ब फॉर्म्स शोज द एक्शन ऑफ दैट सेंटेंसेज, सो इट ऑल कॉल्ड वर्ब. सो लेट अस यू शुड रिमेंबर दैट द स्पेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म, एंड यू शुड ऑल्सो create these all forms of that part. Okay, so not only this page, but also you have given another pages also here. You have given so many verbs, so you should remember these all verbs and learn at your home very very carefully. Okay, you should remember the spelling of that each and particular form of that verb, and you should write these all verbs it in your notebook. So firstly, on this first page I have given you some of the answers and we will read it. Okay, ask, asked, asks, asks and asking. Then call, called, called, calls and calling. Clean, cleaned, cleaned, cleans and cleaning. Climb, climbed, climbed, climbs and climbing. Cook, cooked, cooked, cooks and cooking. Dance, danced, danced, dances, dancing. Have, had, had, has and having. In this way, ये जो verb है उस verb के forms अलग अलग हम इस तरह से बनाते हैं. तो आपको ये सारे forms क्या करने हैं, notebook में भी लिखने हैं और अच्छी तरह से उसके spelling के साथ learn करने हैं, remember करने हैं, memorize करने हैं. Okay students, so ये सारे बहुत important है, because कौन सी भी जो हमारे sentence होते हैं या फिर कौन सा भी lesson होता है उसमें हर एक लाइन में ये वर्ब्स होते ही है. ओके, कोई भी सेंटेंस अगर हमें बोलना है तो हमें इन वर्ब्स के अलावा हम बोल नहीं सकते हैं, तो वर्ब्स की बहुत ज़रूरत होती है हमें सेंटेंस बनाने के लिए या फिर हमें स्पीकिंग करने के लिए. रीडिंग, राइटिंग, बोलना, लिखना, ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो वर्ब के साथ ही होती है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ग्रामर टॉपिक का, जिसको हम बोलते हैं वर्ब. वर्ब मीन्स एक्शन ऑफ द सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड, एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर एंड लर्न इट वेरी वेल, एंड यू शुड ऑल्सो लर्न रीड एंड राइट दिज ऑल वर्ब्स इन योर नोटबुक. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.